वेलकम टू द उल्लासनगर पार्ट टू। अगर आपने मेरा उल्लासनगर का पहला पार्ट नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना, फिर ये वीडियो पे कंटिन्यू करना। तो चलो मिलते हैं वीडियो के उस तरफ। सो गाइस, फर्स्ट लोकेशन में हम लोग आ चुके हैं जो है राजू भजिया वाला। ये थोड़ा यूनिक आइटम है उल्लासनगर का, और मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा था कि ये कुछ अलग सा चीज़ है। तो नॉर्मली सब लोग ने भजी खाया रहेगा, बटाटे का भजी, कांदा का भजी और दूसरे टाइप्स ऑफ भजी, बड़े अंडे का भजी है। तो देख तो ट्राई करते फर्स्ट बाइट, देखते कैसा होता है। तो ऐसे ही खाते, पाव को तो बाद में खाएंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं अंदर से ये अंडा है, बॉईल है पूरा, और ऊपर से चाट मसाला कुछ मसाला डाला है, और बाहर से एक भजी का कोटिंग है जो हम लोग नॉर्मली भजी में रहता है, बेसन का कोटिंग है। तो ट्राई करते हैं, ऐसे ही ट्राई करते हैं फर्स्ट बाइट। काफ़ी यूनिक है, और ना उसके ऊपर जो मसाला डालना है हल्का सा टैंगी और एकदम टेस्टी आ रहा है, टेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अब देखते हैं चटनी के साथ कैसा लगता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दिया वो कोकोनट की चटनी, और यहाँ पे दिया मिंट चटनी। देखते हैं, ट्राई करते फर्स्ट बाइट। काफ़ी बढ़िया यूनिक है। तो गाइज यहाँ पे ज़रूर आना राजू अंडा भजिया वाले के पास, और ये आइटम ज़रूर ट्राई करना। तो चलो ये पहले फिनिश करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। लोकेशन पे जो है श्रीदत्त वड़ा पाव, और यहाँ पे मैंने लिया है एक वड़ा पाव और एक नया आइटम है जो है फिंगर चिप्स, और वो भी पूरा चीज़ से कोटेड है, पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये एक बात और अच्छी है कि यहाँ पे वो फ्रेश बनाते हैं, और टेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया है यार। मैंने गलती से एक बाइट खा लिया था, और बहुत ही बढ़िया है। तो ट्राई करते फर्स्ट बाइट इसका। काफ़ी बढ़िया है, और बहुत ही फ्रेश बना हुआ एकदम, तो उसकी वजह से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। काफ़ी बढ़िया है ये फिंगर चिप्स, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट ट्राई करते वड़ा पाव जो यहाँ का फेमस है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट बाहर से बड़ा बहुत ही क्रंची है, अंदर के स्टफिंग काफ़ी बढ़िया है, और बड़े रात से स्मैश हुआ है, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड भी है और अंदर चिल्ली भी डाला हुआ है। तो वड़ा पाव काफ़ी फेमस है आगा, तो उसके लिए मैं कमेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फेमस है आगा। तो यहाँ पर आकर ज़रूर ट्राई करना सिद्धार्थ वड़ा पाव, और ये फिंगर चिप्स ये मस्ट ट्राई। मेरे रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ, और वो फ्रेशली बना के देते हैं, और मुझे तो बहुत बढ़िया गरम गरम फ्रेश बना के दिया, और ऊपर से मस्त चीज़ डाल के मेयोनीज डाल के दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया ये। तो ये ज़रूर ट्राई करना, और ये तो फेमस है, ये भी ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ पे, तो वे फिनिश करता हूँ। हम लोगों ने बहुत सारा बर्गर ट्राई किया है, और बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर भी ट्राई किया है, बट ये बर्गर कुछ अलग है बिकॉज इसका नाम सिंधी बर्गर है, और ये दिखने में भी अलग है और खाने में भी अलग है। तो ट्राई करते हैं ये सिंधी बर्गर, और यहाँ का लोकेशन थोड़ा डिफिकल्ट था मुझे ढूंढने को, बट अभी यहाँ तक आ चुके तो ट्राई करते हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट बर्गर है। तो देखते ट्राई करते हो, ये कुछ यूनिक बर्गर है, तो चलो ट्राई करते हैं।
तो गाइज मेकिंग तो मैंने दिखा चुका है आपको कि कैसा ये सिंधी बर्गर बनता है, तो भी ट्राई करते हैं फर्स्ट बाइट। काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी यूनिक है, बिकॉज ना बाहर से वो क्रंची है और अंदर का उन्होंने जो पाव के बीच पैटीज डाला ना उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और ऊपर से उन्होंने चटनी डाला है। इन द उल्लासनगर और बाकी की जगह पे भी ना ये जो चटनी होता है ना, टैमरॉन चटनी, मिंट चटनी, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके से टेस्ट ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और ऊपर से उन्होंने प्याज डाला है, उसे काफ़ी अच्छा क्रंची और टेस्टी फ्लेवर का टेस्ट आ रहा है। और उन्होंने जो छोला डाला है ऊपर से काफ़ी स्पाइसी है, मतलब इतना ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं बोल सकते, बट हाँ उन लोग में थोड़ा स्पाइस का टच आ रहा है, और छोला एकदम सॉफ्ट है, खाने का एकदम मुंह में घुल जाता है। बहुत ही बढ़िया बर्गर है और यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, मस्ट विजिट है जगह का, आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरह से उन लोगों ने फ्राई किया, ऑयल फ्राई किया इस बर्गर को, तो यार सही में बहुत बढ़िया बर्गर है। और इस बर्गर को उन लोगों ने पीसेस में कट करके दिया, ऐसा होल बर्गर नहीं है ये। तो गाइज ये बर्गर में फिनिश करता हूँ और बहुत ही बढ़िया बर्गर है सही में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ है, और नेक्स्ट लोकेशन कुछ यूनिक है वहाँ पे, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर देना। ये तब तक मैं फिनिश करता हूँ, मिलते हैं वो लोकेशन पे। तो गाइस नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुका है जो है बिट्टू डोसा कॉर्नर का, और एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ यूनिक थिंग है, मीन्स ना उन्होंने जो मेंदू वड़ा लिया है उसके बीच में कट लगा के ना उसके अंदर मेयोनीज और अपना जो चाइनीज नूडल्स रहता है वो डाला है, और उसके साथ उन लोगों ने ग्रीन चटनी दिया है, और ग्रीन चटनी के साथ ये दो वड़े आते हैं और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है अंदर से आप देख सकते हैं, और शायद से उसने सेजवान चटनी भी डाला है। अब ट्राई करते हैं फर्स्ट बाइट और देखते कैसा होता है। काफ़ी बड़े है और बहुत ही मेंदू वड़ा क्रंची है, मेंदू वड़ा नॉर्मल मेंदू वड़ा की जैसा ही है, बट ना उन्होंने जो बीच में मेयोनीज और जो चटनी डाले ना उसकी वजह से बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और जो अपना चाइनीज़ उन लोगों ने चाइनीज़ का उन लोगों ने शायद से सॉस डाला अंदर, चाइनीज़ सॉस डाला उसके वजह से उधर इसके वजह से ना उसका ना टेस्ट ना वो चाइनीज़ जैसा आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया मेंदू वड़ा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रंची, ऐसा है ये मेंदू वड़ा, बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस ये था एक कुछ न्यू इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने ट्राई किया, इसका नाम मेंदू वड़ा सैंडविच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ पे, तो मैं फिनिश करता हूँ। हम लोग यहाँ पे आ चुके जो है सुपर मोमोज स्पेस का, और यहाँ पे मुझे ना तंदूरी मोमोज दिख गया, तो यार अब तंदूरी मोमोज दिख चुका है तो क्या करें, रहा नहीं गया, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया चिकन ब्लैक पेपर। तो बहुत ही यूनिक आइटम था, बिकॉज मैंने बहुत सारे मोमोज का आइटम खाया बट ये नहीं खाया था चिकन ब्लैक पेपर वाला। तो ट्राई करते फर्स्ट बाइट। वाओ बढ़िया मोमोज है, अंदर की फीलिंग काफ़ी भरी हुई है और ना बाहर से एकदम क्रंची, और जो उन लोगों ने तंदूर किया स्मोक का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर। और यहाँ पे उन लोगों ने ना तीन चटनी दी है, एक उन लोगों का सेजवान चटनी है, दूसरा उन्होंने ग्रीन कलर चटनी और मेयोनीज के साथ दिए हुए है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका। आप अंदर से देख सकते हो जो फीलिंग है ना अंदर की बहुत ही सॉफ्ट है, और चिकन का पीस ना दिख रहा है दोनों ने, और एक्चुअली ना वहाँ पे ना सामने उन्होंने बनाया है, तो मेकिंग करते हुए उन लोगों ने भी दिखाया है, बहुत बढ़िया है मोमोज है।
तो डू विजिट सुपर मोमोज। रबड़ी वाव सिरप चॉकलेट नट्स फिनिश। एक सेकंड। और ये क्या है फाइनली? कोटिंग पिस्ता बादाम कोटिंग। ओके सो गाइज, फाइनली होल डे शूट करने के बाद और बहुत सारा डिश ट्राई करने के बाद फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ जो है आशा फालूदा। और यहाँ पे आइसक्रीम खाने के बाद एकदम बोला दिन का पूरा थकावट यहाँ पे मिटाऊँगा। तो ये ही क्यों, बिकॉज उल्लासनगर में आशा फालूदा बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत यूट्यूबर्स आके वीडियो भी ऑलरेडी कर चुके, तो मुझे भी ट्राई करना था बिकॉज ये पहले से फेमस था। और मुझे एक दो फ्रेंड्स जो उल्लासनगर से बिलोंग करते हैं वो लोग ने बोला भी था कि यहाँ पे आशा फालूदा ज़रूर ट्राई करना अगर तू उल्लासनगर आ रहा है तो। सो ये आपके सामने और इसका मेकिंग आपने मैं दिखा चुका हूँ कि कैसा है। सो ट्राई करते हैं फर्स्ट बाइट। तो इसके ऊपर रबड़ी डाला है उन लोगों ने और ये ऊपर से टॉपिंग्स डाला हुआ है, काजू बादाम पिस्ता का जेली डाला हुआ है और ये चॉकलेट डाला हुआ है। तो लेते हैं फर्स्ट बाइट। सच अ रिफ्रेशिंग थिंग, बहुत ही बढ़िया। और एक्चुअली ना उन लोगों ने जो आइसक्रीम डाला है ना उसके ऊपर उन लोगों ने जो रबड़ी डाला है ना उसके ऊपर टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। और जो टॉपिंग डाला है काजू बादाम पिस्ता का, ऐसा भी नहीं कि उन लोगों ने बहुत छोटा छोटा पाउडर टुकड़ा करके डाला, ऐसा अच्छा क्वालिटी में उन्होंने टॉपिंग यूज़ किया है वो काजू बादाम पिस्ता का। वाव, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही टेस्टी है। और मेरे सामने वाले बेटे उसके मुँह में पानी आ चुका है। ओह भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको उल्लासनगर का ये टूर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि आपने ये सब चीज़ ट्राई किया है नहीं किया। और जो मैंने नए नए कुछ थिंग दिखाए आपको उल्लासनगर में, अगर आपको यहाँ के ट्राई करना तो ज़रूर करना। और एक्चुअली ना यहाँ पे गूगल मैप से आप ट्राई करोगे तो फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ना लोकेशन एग्जैक्ट गूगल मैप पे नहीं है। मुझे भी बहुत ट्रैवल करना पड़ा हर एक फूड दिखाने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट डाउन करना कि आपको नेक्स्ट कौन सा फूड टूर आपको देखना है, तो वो मैं ट्राई करूँगा ज़रूर। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।